तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन। ये मिक्स है, ड्रमस्टिक भी है उसमें, और इसमें थाई फिलेट भी है जो कि मैंने कट करके, ये नीचे के साइड है थाई फिलेट। और फिर मैंने लिया है अनियन, 750 ग्राम के करीब ये अनियन है जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अब मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इस बर्तन में मैं सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल डालने से चिकन का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप कोई और ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, दो हरी इलायची, कुछ लौंग, काली इलायची, इसके साथ ही मैं डालूंगी जीरा, और इनको अब मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। अब इसका रंग सुनहरा होने तक मैं भूंजूंगी और फिर उसके बाद मैं अनियन डाल दूंगी। और अब मैं इसको फ्राई कर लूंगी। सरसों तेल डालने से चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें थोड़ी देर के बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हरी मिर्च। मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक से कट कर लिया है, और ये अब इसमें डाल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, तो हम ना इसमें लहसुन भी डाल देंगे कट किया हुआ। तो मैंने इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो अभी इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ताकि प्याज के साथ साथ लहसुन भी हमारा पक जाए। तो अब हम देख सकते हैं कि प्याज हमारा काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, तो मैंने 2-2.5 चम्मच में नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा अनियन भी है और चिकन भी है। और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कि चिकन का जो कलर है वो बहुत अच्छा रेड आएगा। और इसमें अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर, और ये डालूंगी जीरा पाउडर। और इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इनको अच्छे से फ्राई करती हूँ। तो अनियन काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी मीट मसाला। ये एवरेस्ट का मीट मसाला लिया है मैंने, ये मैं इसमें मीट मसाला डाल दूंगी, इससे जो चिकन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप डाल के फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है ग्रेवी का। तो अब हम इसमें जो हमने चिकन धो के रखा हुआ था ये अब हम डाल देंगे। तो अब हम चिकन डाल देंगे जो हमने धो के साइड में रखा हुआ था, इस चिकन को हम हमारी ग्रेवी में डाल देंगे। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हमारी ग्रेवी बनने के साथ। ग्रेवी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे जब तक हमारा चिकन पक नहीं जाता।
अब हम देखेंगे कि चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, तो काफ़ी हद तक पक भी चुका है। थोड़ी देर बस ये ग्रेवी सूखने तक हम इसको थोड़े और पकाएंगे और फिर हमारा चिकन बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए चिकन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और अब हम इसको सर्विंग करेंगे। ये देखिए चिकन बनके रेडी है, अब हम इसको प्लेट पे सर्व करेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी दोस्तों, चिकन भुना। मेरे स्टाइल से इसको बना के देखिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे वो प्लीज़ इस पर शेयर कीजिए कमेंट करके। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मैं नेक्स्ट टाइम कोई और रेसिपी देखती हूँ। थैंक यू दोस्तों। मैंने इसको चावल के साथ सर्व किया है, आप इसको रोटी पराठा जिसके साथ मन करे वैसे खा सकते हैं। तो ये हमारा चिकन बनके रेडी है।